अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मटन कढ़ाई की रेसिपी। मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो बकरे का गोश्त, एक चम्मच हल्दी, हसब ज़रूरत नमक, दो अदद बारीक कटी हुई प्याज और दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम पतीली लेंगे और पतीली में दो गिलास पानी डाल देंगे। दो गिलास पानी डालने के बाद अब इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे, नमक डालेंगे, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे। अब इसमें जोश आ जाएगा तो इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। देखें इसमें जोश आ गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे स्लो आंच पर। 10 मिनट बाद अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। इसमें ये हम टमाटर शामिल कर देंगे। अब ये देखें आधे घंटे बाद हमारे टमाटर भी अच्छी तरह नरम हो चुके हैं और गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। अब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। इसमें लाल पीसे मिर्ची ऐड करेंगे एक चम्मच। इसमें दही शामिल कर देंगे आधा कप और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट्स के लिए और ये देखें गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है, मसाला भी भुन चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक काट के डाल देंगे। ये हमारा रेडी हो चुकी है मटन कढ़ाई।